हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मेहता ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी शाम के बज रहे 6 और अभी हम नहा के जस्ट आए हैं। और सुबह से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। तो करवा चौथ की मेहंदी भी लग गई है, सिंपल सा मेहंदी लगाई हूँ, बस एकदम सिंपल सा। दोनों ही हाथ में ना वैसे ही सिंपल सा ही मेहंदी लगाई हूँ दोनों ही हाथ में, बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मेहंदी से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा ये इचिंग होने लगता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, जिसकी वजह से ना हम मेहंदी लगा ही नहीं पाते इसीलिए। लेकिन फिर भी अब करवा चौथ बिना मेहंदी का अच्छा भी नहीं लगता। तो आज हम पहनने वाले हैं तीज वाला ही साड़ी, क्योंकि हम साड़ी ज़्यादा नहीं लेते, तीज में ही साड़ी नया लिए थे तो रखा ही है, तो इसीलिए तीज का ही साड़ी निकाले हैं अभी पहनने के लिए। तो देख सकते, दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं हम ये ग्रीन वाला साड़ी निकाले हैं अभी पहनने के लिए। इसके साथ ये मेरा कान का झुमका, मांग टीका और नथिया, यहाँ पे मेरा मंगलसूत्र, मतलब सब कुछ वही रहेगा जो मैंने तीज में वेयर किया था। और यहाँ पे ये मेरा नेकलेस रहेगा, तो सब कुछ वही रहेगा जो हम तीज में वेयर किए थे। क्योंकि मैं बताई ना, मैं साड़ी ज़्यादा खरीदती नहीं, और अभी तीज का साड़ी मैं इसीलिए नया ही रख दी थी पूजा करने के बाद कि करवा चौथ में काम देगा। तो होता क्या है ना कि बार बार हमेशा से हर फेस्टिवल में साड़ी खरीदें और हम साड़ी ज़्यादा वेयर नहीं करते, ज़्यादातर सूट कुर्ती वगैरह ही मेरा चलता है इसीलिए। तो अभी फ़िलहाल मैं चल रही हूँ रेडी होने, तो मिलती हूँ आपसे थोड़े देर में। तो यहाँ पे अभी मैं वेयर कर ली थी साड़ी और अभी यहाँ पे पहन रही हूँ अपना सारा ज्वेलरी। तो ये सबसे पहले मैं झुमका पहन रही थी और ये झुमका थोड़ा सा भारी है, तो उससे क्या होता है ना मेरे कान में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको पहनती नहीं, बस कभी कभार पूजा पाठ में निकालती हूँ पहनने के लिए। और यहाँ पर मैं डाल रही थी मंगलसूत्र, लेकिन ध्यान नहीं थी कि मैं पहले से भी छोटा वाला मंगलसूत्र पहनी हुई थी, तो उस पर ही पहनने जा रही थी, तो अभी उसको निकाल के रखती हूँ। और ये देखो मंगलसूत्र और झुमका पहनने के बाद का लुक क्या मस्त लग रहा है ना, वाव लग रहा है एकदम। और यहाँ पे जब मैं नेकलेस पहनी तो यार क्या ही बताऊँ, बहुत गजब का लग रहा था और अच्छा लग रहा था, लुक बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे अपने आप में अच्छा लग रहा था, आप लोगों को कैसा लगा पता नहीं। तो यहाँ पे मांग का टीका लगाने जा रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे मैं अभी बाल नहीं बनाई थी इसीलिए मांग का टीका नहीं लगाई। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले बाल में कंघी करूँगी और एकदम सिंपल तरीके से जा रूँगी, इसलिए कि अभी सर में भी काफ़ी तेज़ दर्द है और जल्दी जल्दी पूजा को भी लेट हो रहा था। तो यहाँ पे बस ऐसे ही मैंने क्लचर लगा लिया बीच मांग करके, क्योंकि टीका लगाना तो बिना बीच मांग का तो टीका लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अब देखो अब हो गया है मेरा कंप्लीट। और यहाँ पे डालूंगी अभी मैं नथिया, और नथिया मेरा क्या हुआ था ना, कल बार बार ना देखो आगे बार बार खुल के गिर जा रहा था, और इसका लरी भी ना आपस में उलझ जा रहा था, मतलब जब भी लगाने की कोशिश करते बार बार निकल जा रहा है, बार बार निकल जा रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी हुई थी। उसके बाद फिर ठीक हो गया, ये लरी भी आपस में उलझ गया था उसी चक्कर में। तो यहाँ पर मैं भी ठीक करने लगी, और यहाँ पर देखो ये भी लगा लिया अभी मैंने। और अब आप बताओ कि हमारा लुक कैसा लग रहा है। अब मैं हो गई हूँ पूजा के लिए पूरी तरह से रेडी, और मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ, मैं बैंगल पहनना भूल गई थी हाथ में, सिर्फ एक एक चूड़ी ही पहनी थी। तो फिर मैं लास्ट में ना जब पूजा पे बैठी तो जल्दी से उठ के फिर मैं बैंगल पहनी थी चूड़ी, तो मुझे ध्यान ही नहीं गया था यार कि मैंने चूड़ी नहीं डाला। तो यहाँ पे देखिए अभी पूजा आ गए थे करवा चौथ का पूजा करने अपना बैठक वाले हॉल में, तो यहाँ पे भी जल्दी जल्दी से भी करेंगे पूजा, क्योंकि पूजा करने के बाद बनाना है मुझे खाना भी, क्योंकि जब तक खाना नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा यार, चाहे फास्टिंग रखो चाहे जो भी रखो, खाना तो आपको ही बनाना है ना। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद शाम का टाइम हो गया था, पूजा का मुहूर्त शाम में ही था इस बार, 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक का, तो इसीलिए शाम में ही मैं सोची कि चलो एक ही बार रेडी होके पूजा भी कर लेंगे और लगे फिर जो भी बनाना है खाना में हल्का फुल्का वो बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ मुझे ही खाना था और गोलू को, लड्डू के पापा को नहीं खाना था इसलिए। तो गाइज अभी बैठ गई हूँ मैं आटा लेकर आटा सानने के लिए, क्योंकि अभी चांद निकला नहीं है, चांद का इंतजार करना है। तो हम सोचे कि तब तक क्या है ना आटा ही सान लिया जाए, क्योंकि पूड़ी भी बनाना होगा तो पूजा करके आएंगे ना, तो जल्दी से पूड़ी भी बना के फिर खाने के लिए हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे फिलहाल मैं आटा सानूंगी पूड़ी का, क्योंकि थोड़ा सा कड़ा आटा सान के रखूँगी, क्योंकि चांद निकलने के बाद ही पूड़ी छानूंगी ना, इसीलिए मैं इसको सान के रख देती कि ताकि एक काम तो आराम हो जाए। और आटा सानने के बाद आई थी मैं भी बालकनी पे चांद देखने, लेकिन चांद अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और लेट भी हो रहा था, 8 बज गया था लेकिन अभी तक चांद नहीं निकला, और गला भी सूख रहा था, तो चाह रहे थे जितना जल्दी चांद निकले तो जाके मेरा फास्टिंग टूटे। तो अभी यहाँ पे लड्डू के पापा भी आ गए, और अभी देखिए चांद निकल गया हमारा, लगभग अभी 8:20 हो रहा था, तो यहाँ पे आ गए थे छत पे पूजा करने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी से।
तो आज का पूरा दिन अच्छा ही रहा क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा हो गया था ना, इसकी वजह से आराम से हो गया सब कुछ। और छत पे मैंने जब लाइट लगाया ना, इतना ज़्यादा कीड़ा आने लगा, इतना ज़्यादा भी बरसात की वजह से कीड़ा आने लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे हमारा का चांद का पूजा हो गया था, अब करना था मुझे इनका पूजा, तो यहाँ पे अभी इनकी भी आरती वगैरह कर ली थी। और ये हंस रहे थे कि हम गिफ्ट कुछ भी नहीं लेके आए हैं, गिफ्ट भी देना पड़ता है क्या? तो हम बोले हाँ, बिना गिफ्ट का थोड़ी करवा चौथ होता है, तो वही हंस रहे थे। तो अभी यहाँ पे और ना, जैसे रात में 8:30 बज गया, ये ड्यूटी से ही डायरेक्ट चले आए थे, और अभी मतलब आगे ना ड्रेस भी नहीं, अपना कपड़ा भी नहीं चेंज किया, तो फटाफट से हम लोग छत पे ही चले गए थे डायरेक्ट। हम बोल रहे थे कि आप चेंज कर लीजिए, लेकिन नहीं, इनको जल्दी था कि नहीं चलो पहले कर ही लिया जाए। तो भाई पूजा पाठ के बाद आशीर्वाद लेना तो बनता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया था करवा चौथ का पूजा, और अभी बस पानी पीने के बाद ही हम लोग छत नीचे जाने वाले थे। और इतना ज़्यादा अभी मतलब लड्डू भी छत पे देख सकते हैं, पीछे में लड्डू बदमाशी कर रहा है, खेल रहा है वो भी छत पे, उसको भी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। और मैं रियलिटी बताऊँ, अगल बगल के छत पर से भी लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। मुझे हंसी भी आ रही थी देख के सबको, कि पता नहीं क्यों देख के लोग हंस रहे हैं। यहाँ पे देखिए लड्डू देख रहा है चांद को खड़ा होकर अभी, और अभी यहाँ पे चांद देखिए धीरे धीरे ना गोल होता जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हमारा करवा चौथ का पूजा हो गया था, और अभी आ गए थे हम नीचे, और यहाँ पे देखिए खाना खाया जा रहा है। लड्डू की बदमाशी देख सकते हैं आप, किस तरह से बदमाशी कर रहा है। अब वो पापा को ना खाना भी नहीं खाने देता है, शांति से इतना ज़्यादा परेशान करता है। तो गाइज आज का ब्लॉग, ये करवा चौथ वाला ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। और वीडियो लेट अपलोड किया उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। एक्चुअली थोड़ा सा दिवाली की साफ सफाई को भी लेके थोड़ा सा ये था, और मतलब मेरे पास कुछ क्लिप्स भी नहीं थे जिसकी वजह से वीडियो लेट हुआ, तो उसके लिए सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सभी को बाय बाय, टाटा। जो भी न्यू मेम्बर हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, ऐसे ना जाएँ।